दोस्तों आज हम पहुंचे हैं बांधखेल गांव, एक दौलावड़ गांव से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक बांधखेल नाम से गांव है अहमदनगर जिला। और यहां पर एक मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म है, ये देख सकते हैं आप मुर्गियां है। शायद एक सांप जो है बाहर से मुर्गी खाने के लिए आया होगा और वो जो घोंसला है वहाँ पर छुपा हुआ है। तो देखते हैं अभी कौन सा सांप है यहाँ पर। धामन चावतात चावतात खूप भयंकर चावतात ते, काय होत नाही नाही काय होत नाही याच्यावर, हे बिनविषयी असतो पण फक्त चावतो जोरात हो
तो दोस्तों यहाँ पर आप आपने देखा कि एक सांप हमने रेस्क्यू किया है। ये शायद इस मुर्गी के बच्चे जो है इनको खाने के लिए आया होगा और ऊपर छुपा बैठा था घोंसले में। तो ये रैट स्नेक है जिसे हम भारत में धामन के नाम से जानते हैं, हिंदी में धामन, मराठी में धामन, और बिहार में इसे घोड़ा पछाड़ नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं काले कलर में दिखाई दे रहे हैं, कुछ कुछ धामन जो है काले दिखाई देते, कुछ पीले। धामन सांप जो है लगभग 7 कलर में दिखाई देते हैं, हल्का सा पीला, हल्का सा चॉकलेटी, हल्का सा काला, कभी कभार ज़्यादा काला दिखाई देता है, कभी कभी पीला दिखाई देता है, नीचे से कभी कभी सफ़ेद होता है, कभी कभी काला होता है, कभी कभी सफ़ेद दिखाई देता है, कभी कभी हल्का सा पीला दिखाई देता है। जिस तरह आप देख रही है हल्का सा पीला, हल्का सा सफ़ेद दिखाई दे रहा है नीचे से, और हल्का सा काला भी दिखाई दे रहा है। धामन की पहचान जो है बहुत ही आसान है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये लंबा होता है और लंबे सांपों में सबसे तेज भागने वाला यही सांप है। उसका मुंह जो है उसके आकार से छोटा होता है। तो दोस्तों फिर एक बार नाम बता रहा हूँ, इंग्लिश में इंडियन रेड स्नेक, हिंदी में धामन, मराठी में धामन, बिहार राज्य में, मध्य प्रदेश में इसको घोड़ा पछाड़ नाम से भी जानते हैं। ये बिना जहर वाला सांप है। चलिए अभी इसको बैग में डालते हैं और तुरंत हम इसको एक सेफ जगह पर रिलीज करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा अभी एक स्नेक हमने रेस्क्यू किया था धामन, जिसके बारे में मैंने जानकारी भी दी। दोस्तों इस सांप को हम पर्यावरण में रिलीज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस सांप को हम यहाँ रिलीज कर दिया है। कितनी फुर्ती से ऊपर पर्यावरण की ओर चला गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है जरूर इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।